जमीन का वह क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है, उस जगह को जंगल कहते हैं। पृथ्वी का पूरा भूमि क्षेत्र लगभग 30% है, जिसमें से 95% भाग जंगलों ने घेर रखा है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजॉन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। सो विदाउट एनी एफर्टलेस लेट्स स्टार्ट इट। हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो अमेजॉन जंगल हमारे पृथ्वी का दिल है, मतलब कि हमारे पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजॉन जंगल से ही आता है। अमेजॉन जंगल के रहस्य के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेजॉन जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में ये फैला हुआ है। अमेजॉन जंगल ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और इसके बाद भी और भी 6 देशों में ये फैला हुआ है। क्या आपको ये पता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के जंगल में लगभग 4 मिलियन यानी कि 4 अरब से भी ज़्यादा वृक्ष हैं। वर वहाँ वृक्ष इतने बड़े और इतने घनदाट है कि यहाँ की ज़मीन धूप के लिए तरसती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें पहुँच ही नहीं पाती। दुनिया का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के जंगलों से ही आता है। अमेजॉन का कुल क्षेत्रफल 5.6 अरब स्क्वायर किलोमीटर है। हैरानी की बात तो यह है कि ये भारत के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। इससे आप ये समझ गए होंगे कि अमेजॉन जंगल कितना बड़ा है। अमेजॉन जंगल में लगभग 1100 नदियां हैं, जिसमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है। उनमें से एक नदी है जिसका नाम है अमेजॉन रिवर। तो चलो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अमेजॉन रिवर दुनिया की सबसे बड़े दूसरे क्रमांक की नदी है और इसकी लंबाई है 6,992 किलोमीटर। दुनिया के लगभग 20% नदियाँ अमेजॉन रिवर में जाके मिलती हैं। बरसात के दिनों में जब नदी में पूरा पानी भर जाता है तो कहीं कहीं नदी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, नदी के इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि हम कोई ओशन देख रहे हैं जिसका किनारा पता नहीं कहाँ है। पानी सामान्य रूप से 100 सेल्सियस में उबलने लगता है। हम सबको तो अंदाज़ा भी है कि यह पानी कितना गर्म होता है, लेकिन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के जंगल में ऐसी भी एक नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 सेल्सियस है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर हम इस नदी में अंडे और चावल डाल दें तो ये आसानी से पक जाएंगे। इस नदी की खोज 2011 में हुई थी। इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर और चौड़ाई 82 फीट है। इस नदी का पानी दिन के 24 घंटे उबलते ही रहता है। अमेजॉन जंगल के कुछ जनजाति वाले लोग, अगर उनके जनजाति वासी की मौत हो जाए तो उस बॉडी को जलाने या दफनाने की बजाय उस नदी में डाल देते हैं, क्योंकि यह लोगों का मानना है कि यह नदी स्वर्ग का द्वार है। अमेजॉन जंगल में 17,000 से भी ज़्यादा केवल पेड़ की प्रजाति पाए जाते हैं। यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा कीड़ों की प्रजाति पाई जाती है। और क्या आपको ये पता है अमेजॉन के रिवर में 5,000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजाति है। और आपको जानकर हैरानी ये हो जाएंगी कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में 3,000 से भी ज़्यादा मकड़ी यानी कि स्पाइडर की प्रजाति पाई जाती है। अब हम जानते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में। पॉइजन डॉट फ्रॉग। अमेजॉन जंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। चटक सुनहरे ये मेंढक बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखते हैं, लेकिन एक मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने के लायक जहर पाया जाता है। यह फ्रॉग कई कलर में पाया जाता है। बारिश के दिनों में तो ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। कभी आप अमेजॉन जंगल में पर्यटक बनकर जाओगे तो इन मेंढकों को देखकर तुरंत दूर हो जाना, क्योंकि ये मेंढक बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। बुलेट एंट। आपने चींटियाँ तो बहुत सारी देखी होंगे, लेकिन बुलेट एंट जैसी नहीं देखी होंगी। बुलेट एंट एक ऐसी चींटी है जो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। इस चींटी का काटना किसी गोली लगने के समान होता है, इसीलिए तो इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इस चींटी के काटने से बहुत ही असहनीय दर्द होता है, जिसे सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के जंगलों में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एनाकोंडा सांप की। एनाकोंडा सांप तो आपने हॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा, जिसमें एक ही जगह पे कई बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और इंसानों को बहुत ही आसानी से डायरेक्ट निगल जाते हैं। असलियत में अमेजॉन फॉरेस्ट में इतने बड़े सांप तो नहीं पाए जाते।
अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में एनाकोंडा जो पाया जाता है उसकी लंबाई 30 फीट से 40 फीट की होती है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अपने शिकार को जकड़ कर उसकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ देते हैं। ये छोटे बड़े जानवर को भी निकल कर खा लेते हैं। अगर ये एक बार किसी जानवर को खा ले तो एक महीने तक बिना खाए भी रह सकते हैं। और ये एनाकोंडा ज़्यादातर दलदली स्थान या पानी वाले स्थान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ईगल। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है जो बहुत ही फुर्तीला होता है। इसका साइज़ इतना बड़ा होता है कि केवल इसके पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज़्यादा होती है और इसका वज़न 5 से 6 किलो तक का होता है। ये ईगल अपने वज़न से दुगने वज़न अपने पंजों में पकड़कर उड़ सकता है, जिसके कारण ये अपना फेवरेट शिकार बंदर को बनाता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। एक सर्वे के अनुसार अमेजॉन के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में मच्छर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले मौतों का एक बड़ा कारण डेंगू, मलेरिया और मच्छर से होने वाले अन्य बीमारियाँ हैं। अमेजॉन में पाए जाने वाले मच्छर आने जाने वाले पर्यटकों को कई ऐसी बीमारियाँ दे देती है जिसका पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर। ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर को दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी मानी जाती है। ये वो मकड़ी नहीं जिसे हम आसानी से कुचल दें। ये मकड़ी बड़े से बड़े जानवर को भी अपने जहर से परेशान कर देती है। ये मकड़ी अपने हर बाइट पे जहर नहीं फेंकती, बल्कि अपनी तीसरी बाइट पे जहर फेंकना शुरू कर देती है। इसके ऐसी करने की वजह अब तक तो साफ नहीं पाई गई, लेकिन माना जाता है कि यह मकड़ी अपने पहली बाइट पे जहर छोड़ने की बजाय जगह बनाती है। इसके पीछे की क्या टेक्निक है इसे पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ब्लैक कैमल। अगर इंसानों की तरह मगरमच्छ की भी कोई दुनिया होती तो ब्लैक कैमल पूरी दुनिया का राजा होता। एक समय में ब्लैक कैमल अमेजॉन में से ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसे बचाने के लिए बनाए गए कानूनों से ये बच गया और ये आज तक भी बचा हुआ है। यह मिट्टी के रंग का होता है, इसलिए अपना शिकार का इंतज़ार करते हुए ये आसानी से छुप सकता है। आमतौर पर इसके शिकार में मछलियाँ शामिल है, लेकिन ये हिरनों और दूसरे जानवरों पर भी हमला कर देता है। जागवार। खाने पीने में परहेज करने वाला जागवार अमेजॉन की 87 से भी ज़्यादा स्क्विसीज को खा जाता है। इन स्क्विसीज में हिरन से लेके चूहे भी शामिल है। वर्ष वन में रहने के कारण जागवार तैरना भी जानता है। जागवार केवल पश्चिम अमेजॉन में पाया जाता है। इस स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा क्रूर तथा निरेधी किस्म का जानवर है और ये खाने में केवल मांस ही खाता है। चीती की तरह इन्हें भी बड़ी बिल्लियों की लिस्ट में गिना जाता है। हालांकि इन सब के बावजूद जगुआर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। सो ये तो हो गए अमेजॉन के रहस्य और उनमें पाए जाने वाले डेंजरस एनिमल्स के बारे में कुछ जानकारी। तो अब बढ़ते हैं हमारे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। स्टोरी से पहले अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपने इसे नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बाजू वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक राजा था जो काफ़ी दुष्ट था। सारी प्रजा उससे काफ़ी डरती थी। राजा का एक हाथ, एक पैर और एक आँख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरावना लगता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा, अपने बेटे को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक तस्वीर बना लेता हूँ, इसे महल में लगवा दूंगा ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूले। राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलवाया और कहा, जो मेरी सबसे बेहतर तस्वीर बनाएगा उसे मैं इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुश्ते भी उस दौलत को खर्च नहीं पाएगी। साथ में राजा ने ये भी कहा, जो कोई मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा, यही सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बेहद खुश हुए और बाकी सभी चित्रकार देखते ही रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगाकर कुछ इस तरह बनाई थी। हुआ हाथ और पैर भी घोड़े की दूसरी ओर होने की वजह से छुपे हुए हैं।
दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, लोग खराब सिचुएशन में दिमाग लगाने की जगह पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई खराब परिस्थिति है तो समझ जाइए, इसमें एक बहुत अच्छा बड़ा मौका छुपा हुआ है। लेकिन मानिए, खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आपको अपनी खराब परिस्थिति को संभलना आ गया तो आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सफल होने वाले हो। कभी हार मत मानिए। अमेरिका के 500 से अधिक लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें सफलता उस वक्त मिली थी जिस वक्त वे लगभग हार ही चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके एक और कदम आगे बढ़ाया और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली। अगर आपके जीवन में भी मुश्किल है, परेशानी है, तो हार मत मानिए, आप सफलता के बेहद करीब है। तो कहानी भी हो गई खत्म और वीडियो भी हो गया खत्म। वीडियो कैसे लगा, कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखना अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू।